साल की 5 सितंबर को जन्माष्टमी है। हमारे बापूजी ने 2009 में लाखों साधकों के बीच सूरत में जब जन्माष्टमी मनाई थी तो सभी साधकों को गुणों के भंडार श्री कृष्ण भगवान की अटखेलियों, योजनाओं और ज्ञान गंगा का प्रसाद खूब बांटा था। बापूजी ने डंके की चोट पर कहा कि श्री कृष्ण भगवान के ज्ञान का एक छोटा सा अंश श्रीमद् भगवद गीता ही दुनिया में एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती पूरी दुनिया में धूमधाम से सबसे ज्यादा मनाई जाती है और मनाई जाती भी रहेगी। साथ में यह भी बतलाया कि भगवान को वश में करने के लिए बुद्धि का नहीं प्रेम का उपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण दास बनाना नहीं जानते, विषय विकार दास बना देते हैं। संसारी बड़े लोग हमें दास और गुलाम बना देते हैं। श्री कृष्ण ने दास नहीं बनाए, या तो मित्र बनाते। कृष्ण के जीवन में देखो तो मित्र सखा, या वसुदेव देव की नंद यशोदा, या तो प्रेमिका अपने प्रेमी ग्वाल गोप और प्रेमिका है, ऐसे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण। गुलाम बनाना नहीं जानते, गुलामियों से पार करना जानते। सावन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आज की रात, बारिश आ रही है, अंधेरा है और माता पिता जेल में हैं, उनके रिश्तेदार भय और आतंक से आतंकित हैं। माता पिता के रिश्तेदार और माता पिता दुख में हैं, शोषित हो रहे हैं। ऐसों के यहां श्री कृष्ण मध्य रात्रि अंधेरी रात चुनते, अंधकार में पड़े हुए जीव के यहां, अंधकार में पड़े हुए साधक के यहां प्रकाश में कृष्ण, दुख में डूबे हुए समाज के यहां सुखरूप श्री कृष्ण, विषाद में पड़े हुए लोगों के बीच माधुर्य बरसाने वाले कृष्ण का अवतरण होता है। कहां होता है? जेल में। किसके यहां होता है? वसुदेव देवकी के यहां। वसुदेव देवकी, शुद्ध बुद्धि का नाम है देवकी, और सत्यमय प्रकाश का नाम है वसुदेव। इस जीव का सत्वमय प्रकाश और शुद्ध बुद्धि हो तो इसके हृदय में भी कृष्ण का अवतरण होता है, प्रागट्य होता है। प्रागट्य तो वसुदेव देवकी के यहां होता है कृष्ण का, लेकिन पोषण वसुदेव देवकी नहीं कर पाएंगे, पोषण होता है नंद यशोदा के यहां। नंद यशोदा ने कोई तपस्या किया है अथवा कोई व्रत उपवास किए हैं तब भगवान मिले हैं? नहीं नहीं, ये भारत के भगवान की महानता और विशेषता है कि घोर कठोर कठिन तपस्या साधन और संपदा वाले को भी मिले, और कुछ भी साधन नहीं है, कुछ भी तपस्या नहीं है, कुछ भी सूझबूझ नहीं है, ऐसे का द्वार खटखटा के, ऐसे का दिल खटखटा के दिल भर देवता प्रकट हो जाए, ये भारतीय भगवान की महिमा है। वसुदेव देवकी की तो तपस्या का वर्णन आता है, लेकिन नंद यशोदा ने कहीं तपस्या की हो यह वर्णन नहीं आता। हाँ, वसुदेव जी ले गए हैं, यशोदा जी सोई है, कृष्ण को वहां उनकी गोद में रख दिया और वो सोई है, बस न माला कर रही न इंतजार कर रही, सोई हुई यशोदा के पास कृष्ण पहुंचते हैं। और श्री कृष्ण के लीला माधुर्य में सराबोर होने के लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं? रोते हैं। यशोदा के यहां शक्ति का जन्म हुआ है, माया का, और वसुदेव देवकी के यहां आनंद का प्रागट्य हुआ है।
शक्ति वाले सोते रहते और आनंद वाले जगते और जगाने वाले को छोड़ाने का काम करते। वसुदेव जी माया को ले गए और कृष्ण ने मैया में आया हूं तेरे घर और तू कब तक सोएगी। सोए हुए को जगाना ये भगवान का भगवतपना है। असाधन वाले को भी सहज मिलना ये भगवान का भागवतपना है। खाली यशोदा नंद बाबा असाधन वाले थे और भगवान मिल गए ऐसी बात नहीं। श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो मथुरा की सड़कों पर लोग खड़े हैं दाएं बाएं, उनके रूप लावण्य माधुर्य है, उनकी चिंतवन का आनंद लेते हैं। लोग तो कृष्ण को देखकर गदगद हो रहे हैं लेकिन कृष्ण एक कुबड़ी पर टिकटिकी लगाए हैं, कुब्जा उसका नाम है। वो अंगराग लेकर जाती है कंस के पास मालिश करने वाली, चंदन का लेप करके नहलाने वाली कुब्जा जा रही और कृष्ण बोलते हैं, ओ सुंदरी हाय राम, इस कुरूपा में भी सौंदर्य देखने वाला कैसा है तुम्हारा अकाल पुरुष ब्रह्म। उसने सोचा कि इधर तो ग्वाल बवाल है और मथुरा वासी है, कोई सुंदर को बुलाते होंगे, मैं तो कुब्जी हूं। सुना नहीं, अपना जूता घसीटती हुई जा रही, खबर 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 धूल छांटती जा रहे हो, घिंगरुले बालों को मटमैला करने की सेवा किए जा रही। कौन? कुब्जा। श्री कृष्ण ने आवाज लगाया, ओ सुंदरी देखा छोरे छोरे हैं, कोई छोरी तो है नहीं, सुंदरी कौन होगी यहां, चाहे कोई हो हमें क्या। और तेज रफ्तार से अपने पुराने जमाने के चमड़े के जूते होते हैं, चप्पलें होती हैं, खबर खबर करते हुए सपाटा जी सिंधी में चबुआ। फिर श्री कृष्ण ने प्रेम में भर कर कहा, ओ सुंदरी देखा के स्त्रियों में तो मैं ही हूं छोरों के बीच। उसका छुपा हुआ प्रेम स्वभाव छलका, बोला सुंदर। बोले ये जो अंगराग ले जा रही थी ना, उधर को इशारा किया, ए मेरे को दोगी? हाँ। बोले लो लगा लो लगा लो। श्री कृष्ण ये दिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम प्रसाद है, प्रेम ही विश्व में राज्य करता है। ये कायदा कानून तो अपने अधिकार की रक्षा करने को और दूसरे के शोषण का एक राजमार्ग है, रामतीर्थ बोलते थे। डंडे के बल से आतंक के बल से जो करवाया जाता है वो मजबूरन लोग बेचारे करते हैं, लेकिन समाज में अगर अभी भी कुछ सच्चाई और व्यवस्था चली है तो वो प्रेम के बल से। माँ बच्चे को प्रेम से पालती पोषती है, बच्चा भी कर्तव्य समझ के माँ बाप की या गुरु की या समाज की प्रेम से सेवा करता है। अभी आप बैठे तो डंडे के बल से, प्रलोभन के बल से नहीं बैठे, प्रेम के बल से बैठे। और मैं भी तुम्हारे लिए दौड़ा दौड़ा आया तो प्रेम के बल से आया, प्रेम ही तो राज्य कर रहा है। कबीर जी कहते हैं, प्रेम न खेतों उपजे प्रेम न हाट, बेकाय राजा चहो प्रजा चहो अहम दिए ले जाए। और तुम्हारा वास्तविक स्वभाव प्रेम है। प्रेम जब धन में फंसता है तो लोभ बनता है, प्रेम जब परिवार में फंसता है तो मोह बनता है, प्रेम जब शरीर की अहंता में फंसता है तो अहंकार बनता है। प्रेम अगर किसी नाम रूप में उलझता है तो माया मय बन जाकर फंसाता है, और प्रेम को अगर शुद्ध बुद्ध रूप में देखा जाए तो परमात्मा ही है। शुद्ध प्रेम परमात्मा है। विकारों के बादल हट जाए, चाहे कितने भी बादल हो, चंदा को सदा नहीं ढाक सकते, चाहे कितने भी बादल हो, सूरज को सदा नहीं ढाक सकते। ऐसे ही चाहे कितनी भी अंगराग करने वाली, कंस की चाटुकारिता करने वाली कुब्जा हो, लेकिन उसके अंदर भी सत स्वरूप, चेतन स्वरूप और प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर तो है।
ईश्वर ने अपने ईश्वर स्वभाव को जगा। ओ सुंदरी, बोले लो सुंदर, बात बन गई। कुछ न कुछ दिए बिना जियो कैसे मुझे पाएगा। अंगराग तो लिया, उसके पैर पर पैर रखा और ठोड़ी को यूं झटका मारा, सचमुच में कुबड़ी सुंदरी हो गई। कृष्ण कन्हैया।